जब पुकारना हो मुझे मेरा नाम भूल जाता है, उसे इश्क तो आता है पर करना भूल जाता है, और उसे कह दो यूं मुस्कुरा कर ना देखे मुझे, ये दिल पागल है धड़कना भूल जाता है। भाई लोग क्या कमाल की वीडियो है। अगर आप दोस्तों ने भी इस तरह की वीडियो बनानी है उर्दू शायरी वाली, तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप किस तरह बहुत ही आसानी से इस तरह की वीडियो बना सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके लिए आपके पास होना चाहिए काइंड मास्टर मोबाइल ऐप। अगर आपको काइंड मास्टर मोबाइल ऐप के बारे में नहीं पता, तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो इसकी मिल जाएंगी कि आप किधर से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये वाली वीडियो एडिट करना मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। इसके लिए आपने जाना है क्रिएट न्यू पे। अगर आपने वीडियो जो है टिकटॉक स्नैक वीडियो के लिए बनानी है, तो आपने 9x16 को सेलेक्ट करना है। अगर वीडियो आपने यूट्यूब के लिए बनानी है, तो उसके लिए आपने सेलेक्ट करना है 16x9, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अभी हमने इधर पहले एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। हमने कोई सा भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। सपोज़ मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ और इसका ड्यूरेशन मैं बढ़ा देता हूँ। उसके बाद हम आएंगे लेयर पे मीडिया, और इधर आप चाहें तो कोई तस्वीर भी लगा सकते हैं, चाहे कोई वीडियो भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा के उस पर आप इसी तरह की उर्दू शायरी लगा सकते हो। तो पहले ये मैं कुछ इमेजेस इधर ऐड कर लूँ। ये हो गई सारी फुल स्क्रीन। अभी हम इसमें जो है कुछ एनिमेशन जो है ऐड करते हैं। ये इसका इन एनिमेशन हो गया, ये हो गया इसका आउट एनिमेशन। डियर फ्रेंड्स, अभी हमने जो है इधर वो अपनी उर्दू वाली शायरी जो है इम्पोर्ट करनी है। फ्रेंड्स आप अपनी भी शायरी इसमें, अपनी उर्दू की भी शायरी लगा सकते हैं उस पर, आप अपना वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। वो तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपने कैसे जो है अपनी इसमें उर्दू लिख के इम्पोर्ट करनी है। आप जो भी शायरी लिखना चाहें, जो भी उर्दू लफ्ज़ लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी पहले मैं एक रेडीमेड उर्दू शायरी है वो मैं इधर इम्पोर्ट करता हूँ। अगर मेरी इस वीडियो पे लाइक आते हैं 100, तो इसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये जो उर्दू शायरी मेरे पास पड़ी है। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आते हैं, तो मैं उसका लिंक आप दोस्तों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और किसी और वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा भी कि आपने इस तरह की जो है उर्दू शायरी किस तरह लिखनी है ख़ुद से। तो इसके लिए हम जाएंगे मीडिया पे वीडियो, और मेरे पास इधर ये जो पड़ी है ये, तो ये मैं इधर इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ फुल स्क्रीन। तो अभी जो इसकी ड्यूरेशन है, इसके मुताबिक हमने ये इमेजेस जो हैं इसको बराबर करना है इसके हिसाब से, जो हमारा इजाफी स्क्रीन है इसको हम कर देंगे ट्रिम टू राइट अप प्ले हीड। अभी फ्रेंड्स हमने जो ये शायरी जो है इसमें इम्पोर्ट की है ग्रीन स्क्रीन पे, हम इस पर क्लिक करेंगे, जाएंगे क्रोमा की पे, और इसका क्रोमा जो है क्रोमा की इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद हम इधर अपनी कुछ इसमें सेटिंग कर लेंगे जैसे ये। तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो रेडी है, हम अब अपनी वीडियो को जो है प्ले करके देखते हैं। जब पुकारना हो मुझे मेरा नाम भूल जाता है, उसे इश्क तो आता है पर करना भूल जाता है, और उसे कह दो यूं मुस्कुरा कर ना देखे मुझे, ये दिल पागल है धड़कना भूल जाता है। जी तो दोस्तों आपने देखा किस तरह आसानी से हमने अपनी वीडियो बना ली है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।